48 तीन आउट से तो 278 छह आउट बहुत अच्छा दिखता है। मोमेंटम मतलब ऐसा है कि इंडिया कहेगा यार 278 रन तो है, भले ही जाते आते आपकी 6 विकेटें गिर गई, फिर वही बांग्लादेश कहेगा चलो जाते आते हमने नई बॉल के साथ एक नहीं दो विकेटें, पुजारा को भी आउट किया और अक्षर पटेल को भी आउट किया, कर तो वैसे उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी दिया है कैच, तो चलो उससे पहले छोड़ा था, बोल्ड हो गए अभी बोल्ड हो गए, देखिए बेल नहीं गिरा। तो बांग्लादेश अगेन ये सोचेगा ना गगन कि हम गेम से बाहर नहीं हुए, इंडिया के हमने गेम बना ली है, बांग्लादेश के हमने गेम से बाहर नहीं हुए, हम कल आकर अगर आखिरी चार विकेट, अच्छा बाय द वे उनको एक ही आउट करना और एक साथ दो राइट हैंडर्स हो लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए, हालांकि आपने डोमिनेट उसी वक्त किया जब दो राइट हैंडर्स आपके एक साथ खेले पुजारा और श्रेयस अय्यर, बट आई थिंक बांग्लादेश को रिलीफ है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे पाजी थे नहीं टी ब्रेक पे, पाजी मैं बात कर रहा था कि 80 ओवर पे जब वो नया बॉल लेंगे और चूंकि ये कुकाबुरा का बॉल है, ये पुराना जैसे जैसे होता गया ये स्लो टर्नर है, सीम उसकी रहती नहीं है, बैटिंग करनी आसान है, बट जब आप नया बॉल फास्ट बॉलर ना भी इस्तेमाल करें, जब आप स्पिनर को भी देंगे उसको थोड़ा बाइट मिलेगा, थोड़ा टर्न मिलेगा और वही चीज आपको दो विकेट दिला दे। तो इंडिया ने एक सेशन क्लियरली जीता और उन्होंने एक सेशन पहला जीता, लेकिन चूंकि पहले सेशन में जो ऋषभ पंत ने तेज रन बना दिए थे वो आप 85 तीन आउट पे पहुंच गए रादर देन 65 तीन आउट, अगर आप 65 तीन आउट उस वक्त होके ऋषभ पंत के रन ना होते तो आपका 278 छह आउट ना होता, शायद आप 245-50 पे देख रहे होते। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि मैं ये कहूंगा 40% बांग्लादेश 60% इंडिया, इंडिया का ये कि इंडिया ने चलो रन लगा दिए हैं, आपकी बात सी कि 48 तीन आउट से आपने यहां तक ले आए, लेकिन जय ये जो 60 इंडिया का आज है वो कल अचानक से 20 पे भी गिर सकता है, अगर आखिरी चार विकेटें उन्होंने 25 30 50 रन में निकाल दिया आपके, आपको अगर इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है बांग्लादेश में और 325 रन ही बना पाता है सपोज कीजिए, तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, नहीं आपकी बैटिंग सारी है एक रोहित शर्मा को छोड़ के, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बांग्लादेश गेम में है उनके लिए बड़ी बात है। अक्सर बांग्लादेश को दिक्कत कहां आती थी, उनको दिक्कत आती थी कि आपकी जो इंडिया की बैटिंग वर्सेस बांग्लादेश की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग को एक ही बार बैटिंग करनी है जी हमने, अब वो नहीं लग रहा कि आपने एक ही बार बैटिंग करनी है, अब आपको ये भी देखना होगा। अच्छा और श्रेयस अय्यर की 38 इनिंग में 1489 रन है जी, और सूर्य कुमार यादव उनसे कम इनिंगे खेले हैं शायद, और विराट ने भी उतनी इनिंगे खेली है लेकिन रन कम है, जर्रे 22 रन केएल राहुल के थे, 20 शुभमन गिल के थे, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 41 की पार्टनरशिप, उसके बाद 41-45-48 यानी कि शुभमन गिल केएल राहुल और विराट कोहली ये तीन जब आउट हो गए भारत फंस गया था। ऋषभ पंत लंच के बाद आउट हुए 45 गेंद में 46, पुजारा ने 203 गेंदों में 90 रन बनाए हैं और एंड में वो टर्न के लिए खेलना वो खेलने गए और लाइन ही मिस करके नया बॉल लिया हुआ था लेफ्ट हैंड स्पिनर ने वो सीधा डंडे पे लग गया, 90 रन बना के आउट हुए, लेकिन उनका भी एक कैच शुरू में छूटा था विकेट कीपर ने, किस्मत रही श्रेयस अय्यर की, बट वही बात है जी द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, उन्होंने 169 गेंदों में 82 रन बनाए, वो शाम को नॉट आउट है, उनको 100 दिख रहा है, एक उनका आसान सा कैच मिड विकेट पे छूटा, एक वो बोल्ड हो गए और ठीक ठाक बॉल लगाए पर वो बेल, ये बेल्स की भी जहां बात, अक्षर पटेल ने भी 14, ये आपको लग रहा है कि जस्टिन बेल उस दिन भी हुआ, परसों चौथ में पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी देख रहा था, ये बिकॉज ऑफ गिमिक्स के आपको वो बेल चमकती दिखनी चाहिए, बेल भारी हो गई है, ये तो डिसएडवांटेज है ना, ये तो बेल आ गई है भारी, और अगर आप स्टंप के ऊपर वो जो लकीर होती है जिसके अंदर वो डालते हैं वो भी उन्होंने और गहरा किया हुआ है, अच्छा फिर कैसे गिरेगी, तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो ये तो ये तो डिसएडवांटेज है ना गेंदबाजों का, मतलब हर तीसरे चौथे मैच में अगर इस तरह हो जाता है बॉल विकेट पे लग गई पर बेल नहीं गिरी, ये तो गलत बात है।